चैनल में स्वागत है आपका आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ेंगे कितने प्रकार होते हैं इनके तो ज्यादा आधेरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्यूनिटी क्या होती है इम्यूनिटी की अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता और इंग्लिश में द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद डिसीज तो ह्यूमरल इम्यूनिटी देख लेते हैं हम क्या होती है इट इज़ कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी बिकॉज इट इंक्लूड्स सब्स्टांस फाउंड इन द ह्यूमरस और बॉडी फ्लूड मीन्स हम इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें सब्स्टांस आते हैं वो हमारे ह्यूमरस में पाए जाते हैं ह्यूमरस क्या होता है जो हमारे आँख से फ्लूड निकलता है हम उसे ह्यूमरस कहते हैं और जो भी हमारे बॉडी फ्लूड में सब्सटेंस पाए जाते हैं उनके कारण इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है इट कंट्रास्ट और डिफर विद सेलुलर इम्यूनिटी मींस ये सेलुलर इम्यूनिटी से बिल्कुल अलग है इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी दैट इज मीडिएटेड बाय माइक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड सच एज़ सिक्रेटेड एंटीबॉडीज कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड सर्टेन माइक्रोबियल पैप्टाइड्स मीन्स ये जो इम्यूनिटी है माइक्रोमोलिक्यूल्स के द्वारा होती है माइक्रो मोलिक्यूल्स का मतलब है बड़े बड़े मोलिक्यूल जो कि ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में पाए जाते हैं मीन्स बाहरी फ्लूड में पाए जाते हैं जैसे कि सिक्रेटिड एंटीबॉडीज मीन्स वो फ्लूड जिनके द्वारा एंटीबॉडीज़ बनती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कहते हैं और सर्टेन माइक्रोबियल पैप्टाइड्स मीन्स ये जो पेप्टाइड होते हैं मेनली कटाइंस होते हैं और ये हाइड्रोप्लिक और लिपोप्लिक दोनों भी हो सकते हैं इट इज़ इन्वॉल्विंग एंटीबॉडीज़ सो ओपन इज कोल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी मीन्स ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ आती हैं तो इसी कारण इसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है मीन्स एंटीबॉडी के द्वारा होने वाली इम्यूनिटी अब हम एम ओ ए मीन्स मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी का कि किस तरह ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क करती है ए मैक्रोफेज एंगल द पैथोजन बैक्टीरिया मैक्रोफेज क्या होते हैं ये डब्ल्यू बी सी के टाइप होते हैं मीन्स वाइट ब्लड सेल के टाइप हैं जो क्या करते हैं पैथोजन को निगल लेते हैं पैथोजन क्या होते हैं कोई भी वायरस बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कोज करता है जैसे हमने यहाँ बैक्टीरिया ले रखा है तो जो मैक्रोफेज है वो पैथोजन को निगल लेगी नेक्स्ट पॉइंट द मैक्रोफेज देन डाइजेस्ट द दियम उसके बाद जो मैक्रोफेज है वो डाइजेस्ट कर लेगा मीन्स पचा लेगा बैक्टीरिया को नेक्स्ट पॉइंट टी हेल्पर सेल्स बाइंड टू मैक्रोफेज एंड बिकम एक्टिवेट मीन्स जो टी हेल्पर सेल है वो मैक्रोफेज से बाइंड कर लेगी मीन्स उसके साथ अटैच हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगी टी हेल्पर सेल एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल बाइंड टू बी सेल्स एंड एक्टिवेट इट मीन्स जो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो रखी हैं वो बी सेल के साथ बाइंड करेंगी मीन्स उनके साथ अटैच हो जाएंगी और बी सेल को भी एक्टिवेट कर देंगी एक्टिवेट का मतलब है वो वर्क करने लगेगी एक्टिवेटेड बी सेल्स मीन्स जो बी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी एंड सम ऑफ बी सेल्स आर टर्न इन टू प्लाज्मा और उनमें से कुछ बी सेल्स वापस चले जाएंगी प्लाज्मा को प्लाज्मा सेल्स सिक्रेटेड एंटीबॉडीज बिच बाइंड टू एंटीजन टू फाइट द इनवेडिंग पैथोजन मीन्स जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी मीन्स सिक्रियट करना स्टार्ट कर देंगी जिससे जो एंटीबॉडीज होंगी एंटीजन से बाइंड कर लेगी और जब एंटीबॉडी और एंटीजन मिल जाएंगे तो वो हेल्प करेंगे फाइट करने में पैथोजन से इनवेडिंग का मतलब क्या है जो हमला कर रहे हैं पैथोजन उनसे फाइट करने में हेल्प करेंगे आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा तो ये मैक्रोफेज है जिसने बैक्टीरिया मीस पैथोजन को एनगल्फ़ कर लिया है मीस निकल लिया है और उसके बाद ये डाइजेस्ट कर रहा है इसको और उसके बाद टी हेल्पर सेल माइक्रोफेज के साथ अटैच हो जाएंगी और एक्टिवेट हो जाएंगी और जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल हैं वो बी सेल के साथ बाइंड करेंगी और उनको भी एक्टिवेट कर देंगी और ये एक्टिवेट हो चुकी हैं और इनमें से कुछ एक प्लाज्मा को वापस चली जाएंगी और उनसे एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगी फिर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और जिससे हेल्प मिलेगी पैथोजन के साथ फाइट करने में अब हम सेलुलर इम्यूनिटी देख लेते हैं कि क्या होती है सेलुलर इम्यूनिटी सेलुलर इम्यूनिटी तो सेलुलर इम्यूनिटी देख लेते हैं क्या होती है सेल मिडिएटेड इम्यूनिटी इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज सेल मिडिएटेड का मतलब है सेल के द्वारा होने वाली इम्यूनिटी तो ये भी एक इम्यून रिस्पॉन्स है इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसका रिस्पॉन्स मीन्स उसका रिजल्ट जिसमें एंटीबॉडीज नहीं आती है मीन्स सेलुलर इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है नेक्स्ट पॉइंट सेल मीडिएटिव इम्यूनिटी इज द एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइट्स एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एंड द रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन मीन्स जो सेलुलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटिव इम्यूनिटी होती है इसका मेन काम है कि इसमें फैगोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं फैगोसाइट्स क्या होते हैं फैगोसाइट्स वे होते हैं जो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेते हैं मीन्स निगल लेते हैं और एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी इम्पोसाइड्स मीन्स साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है किलर सेल्स तो टी लिम्फोसाइट्स है मीन्स टी किलर सेल किलर का मतलब है जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए यूज़ करी जाती है और सेलुलर इम्यूनिटी में बहुत से साइटोकाइंस भी रिलीज़ होते हैं इट पार्टिसिपेट्स इन फॉलोइंग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस मीन्स जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो कौन कौन से काम कराती है तो फर्स्ट देख लेते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है जो एलर्जिक रिएक्शन होती है और उन्हें डिलेड कर देती है डिलेड का मतलब कम कर देती है इम्यूनिटी इन इन्फेक्शन कोस्ड बाय ओब्लीगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स ओब्लीगेट का मतलब है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर बाइंड कर जाएगा और उससे अपना भोजन लेगा और ये इंट्रासेलुलर बात हो रही है मेन सेल के अंदर तो जैसे ये एक कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं बैक्टीरिया से होने वाली है हैं ट्यूबरकलोसिसप्रोसी ब्रोसेलोसिस फंजाई से होने वाली हिस्टोप्लाजमोसिस पैरासाइट से होने वाली ट्राईपेन ओसोमियसिस और वायरस से होने वाली मेजल्स एंड मम्स, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी मीन्स जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी है हमारी ट्रांसप्लांट वर्क में भी काम आती है तो ये थे टाइप ऑफ इम्यूनिटी आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग